नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सोनिया चौहान। उत्तराखंड की खबरों में आप सभी का स्वागत है। रुक करते हैं खबरों की ओर। देवभूमि उत्तराखंड में लोकसभा चुनाव के मतदान के बाद बीजेपी और कांग्रेस में आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला लगातार जारी है। वहीं इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर बीजेपी और कांग्रेस एक दूसरे को घेरती हुई नजर आ रही है। इस बात को लेकर बीजेपी मुख्य प्रवक्ता सुरेश जोशी ने कहा कि इलेक्टोरल में जमा किए गए पैसों में से 75% पैसा इंडिया गठबंधन ने लिया, तो पहले उसे पैसे को वापस करें तब बीजेपी पर सवाल खड़े करें। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस और पूर्व कैबिनेट मंत्री हीरा सिंह बिष्ट ने पलटवार करते हुए कहा कि बीजेपी झूठ बोलने में मास्टर है, जबकि वो सब जानते हैं कि इलेक्टोरल बॉन्ड में 80% योगदान बीजेपी का है। कांग्रेस उससे पल्ला झाड़ रही है। भाजपा झूठ बोलने में मास्टर है। जो सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों को भी इस तरह हवा में उड़ा करके आरोप दूसरी पक्ष पर कांग्रेस पार्टी पर लगा रही है और गरेवान में झांके। इलेक्टोरल बॉन्ड का सबको पता है 80% बीजेपी का इन्वॉल्वमेंट है, तो बीजेपी उस बात को स्पष्ट क्यों नहीं करती? तुमने तो पूरे देश को लूटने का काम कर रखा। सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों को भी आप हवा में उड़ाकर उस बॉल को कांग्रेस के पाले में डालना चाह रहे हैं। अरे कांग्रेस तो पक्ष में है। हिमाचल प्रदेश में लोकसभा चुनाव के लिए उत्तराखंड के कांग्रेस नेताओं को पार्टी हाईकमान ने जिम्मेदारी सौंपी है। प्रदेश उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना को पांवटा साहिब और धीरेन्द्र प्रताप को धर्मशाला विधानसभा क्षेत्र का पर्यवेक्षक बनाया गया। शिमला लोकसभा सीट से पांवटा साहिब विधानसभा में सूर्यकांत धस्माना और कांगड़ा लोकसभा सीट के धर्मशाला विधानसभा क्षेत्र में धीरेन्द्र प्रताप पर्यवेक्षक के रूप में चुनावी गतिविधियों को देखेंगे। और बता दें कि हिमाचल प्रदेश में अंतिम चरण में चुनाव होने हैं। देखिए, हिमाचल हो या देश के अन्य राज्यों में जहां भी लोकसभा चुनाव हो रहे हैं, उत्तराखंड से भी जो है नेताओं को जो है वहां पर जिम्मेदारियां दी गई हैं। अभी हमारे प्रदेश से जो है हिमाचल में हमारे विधायक हैं प्रताप नगर के विक्रम सिंह नेगी जी, हमारे नेता हैं सूर्यकांत धस्माना जी हमारे उपाध्यक्ष, उनको जो है वहां पर जिम्मेदारियां दी गई हैं और अन्य लोगों को भी दी गई हैं। हरियाणा में तो आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष स्वयं जो है कई लोकसभाओं में जो है कमान संभाले हुए हैं प्रचार की, और आप देखिए कि दिल्ली हो, उत्तर प्रदेश हो या अन्य राज्यों में। चारधाम यात्रा अपने चरम पर है, जिसे देखते हुए शहरी विकास विभाग एक्शन मोड में काम करते हुए नजर आ रहा है। वहीं चारधाम यात्रा की व्यवस्थाओं को लेकर शहरी विकास मंत्री डॉ. प्रेमचंद अग्रवाल ने अधिकारियों संग समीक्षा बैठक की और इस दौरान अन्य अधिकारी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक में शामिल हुए। और इस बीच डॉ. प्रेमचंद अग्रवाल ने कहा कि चारधाम यात्रा मार्ग पर जितने भी निकाय हैं वहां पर साफ सफाई, स्ट्रीट लाइट और यात्रियों के लिए कंबल की व्यवस्था कर रखें। और साथ ही उन्होंने कहा, मैंने दिव्यांग जनों के लिए भी विशेष व्यवस्था करने के निर्देश दिए हैं। चारधाम यात्रा की व्यवस्थाओं को लेकर निर्देश दिए गए हैं, मार्ग पर साफ सफाई के निर्देश दिए गए हैं और चारधाम यात्रा को लेकर शहरी विकास विभाग एक्शन मोड में नजर आ रहा है। बैठकें लगातार जारी हैं और साथ ही सभी अधिकारियों को निर्देशित भी किया गया है। तस्वीरें देहरादून से, जहां शहरी विकास विभाग का एक्शन मोड नजर आया। चारधाम यात्रा की व्यवस्थाओं को लेकर ये बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में मार्ग पर साफ सफाई की व्यवस्था जो है वो बनाए रखे, इसको लेकर सभी अधिकारियों को निर्देश दिए गए।
कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता शिषपाल सिंह बिष्ट ने आरोप लगाया कि सरकार चारधाम यात्रा को लेकर गंभीर नहीं है। साथ ही उन्होंने कहा कि यात्रा मार्गों पर अव्यवस्थाओं से तीर्थयात्रियों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। और साथ ही उन्होंने कहा कि एक सप्ताह के अंदर 12 तीर्थयात्रियों की मौत हो चुकी है। राज्य में चल रही चारधाम यात्रा पूरी तरह से अव्यवस्थाओं की भेंट चढ़ती हुई नजर आ रही है। 12 तीर्थयात्रियों की मौत और कांग्रेस ने सरकार को घेरा। सरकार यात्रा को लेकर गंभीर नहीं है। चारधाम यात्रा की शुरुआत 10 मई से हो गई थी और जिसको लेकर लगातार बैठकों का दौर जारी है और इसी को लेकर कांग्रेस ने प्रदेश सरकार को घेरा है। लगातार सरकार यात्रा को लेकर गंभीर नहीं है, ये आरोप लगाए जा रहे हैं। और यात्रा में 12 तीर्थयात्रियों की मौत हो गई है जिसको लेकर कांग्रेस ने प्रदेश सरकार को घेरा है और साथ ही कहा कि सरकार यात्रा को लेकर गंभीर नहीं। चारधाम यात्रा अव्यवस्थाओं का शिकार हो गई है, इसमें कोई दो राय नहीं है। आप जहां भी चले जाएं चारधाम यात्रा में जगह जगह जाम की स्थिति है, श्रद्धालुओं को रहने की, खाने की, दर्शनों की जो है दिक्कतें आ रही हैं, स्वास्थ्य संबंधी दिक्कतें आ रही हैं, अखबारों में समाचार छप रहे हैं तो पत्रकारों को धमकाए जा रहे हैं, उन पर मुकदमे दर्ज किए जा रहे हैं। आखिर सच दिखाने की सजा क्यों पत्रकारों को दी जा रही है ये समझ में नहीं आ रहा। सरकार को जो है अपनी व्यवस्थाएं सुधारनी चाहिए और पहले आपने समय रहते अगर होमवर्क किया होता, व्यवस्थाएं अगर सुधारी होती तो आज धरातल पे जो है ये व्यवस्थाएं नजर नहीं आती। उत्तराखंड के जंगलों में लगी भीषण आग को लेकर लेसडाउन से बीजेपी विधायक महंत दिलीप रावत ने बड़ा बयान दिया। विधायक दिलीप रावत ने मुख्यमंत्री और विधानसभा अध्यक्ष से मांग करते हुए कहा कि जंगलों में लगी भीषण आग को देखते हुए एक दिन का विधानसभा का विशेष सत्र बुलाना चाहिए जिसमें सिर्फ जंगलों में लगी आग पर कैसे नियंत्रण पाया जाए इस पर चर्चा होनी चाहिए। वो चिंताजनक है और मैं समझता हूं, मैंने तो मांग भी करी थी अभी मुख्यमंत्री जी से भी और विधानसभा अध्यक्ष से भी कि केवल वनों के लिए एक दिन का विशेष सत्र आना चाहिए जिसमें सारी चीजों के बारे में चर्चा की जाएगी। चलिए फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। हमारे जमाने में बेटी जन्मे तो मातम होता था, पर हमारे समय तो हरियाणा में बेटी बचाने वाला है, उसे पढ़ाने वाला है, उसकी दिन रात रक्षा करने वाला है और तो और उसका ब्याह करवाने वाला तक बैठा है। नसीब वाली हो सब, तुम्हें वोट के बदले मोदी मिला, तारीफ ही करती रहोगी या जाकर वोट भी डालोगी मोदी को? जा रहे दादी जा रहे। अरे मुझे भी तो ले चल। चल कमल का बटन दबाए, भाजपा को जिताए। Hey mom, hey, look, I can download a song really fast. I can make dosas faster. Must be joking. Bus, 3 easy steps. Mix with water, spread batter, fry. Gana download hua? Nahi, par tab tak main idli banati hu. Humne banaya kit se. Kisanon ko jari rahegi 6000 rupaye ki samman nidhi. यह है मोदी की गारंटी।
ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। केदारनाथ धाम में आस्था का सैलाब उमड़ रहा है। बता दें कि भारी संख्या में केदारनाथ धाम के दर्शन करने के लिए श्रद्धालु पहुंच रहे हैं, और जिसके लिए जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन की तरफ से व्यवस्थाओं को सुदृढ़ किया जा रहा है। दर्शन करने पहुंच रहे तीर्थयात्रियों को जो जाम में फंस रहे हैं, इसके लिए जिलाधिकारी के निर्देशन में इन यात्रियों को आवश्यक सामग्री उपलब्ध कराई जा रही है, और जिसमें जिला प्रशासन की ओर से फंसे 2500 श्रद्धालुओं को पूर्ति अधिकारी मनोज कुमार डुभाल, सेक्टर अधिकारी फाटा नरेंद्र कुमार के साथ उनकी टीम ने गाड़ियों में जाकर फूड पैकेट और पानी की बोतलें वितरित की। उत्तराखंड सरकार का धन्यवाद करना चाहता हूँ जो इस टाइम केदारनाथ यात्रा पे जो श्रद्धालु आए हुए हैं और जो ट्रैफिक जाम में फंसे रहते हैं, उनकी सहूलियत के लिए एक रिफ्रेशमेंट के गवर्नमेंट की तरफ से प्रोवाइड कराई जाती है, और मैं एक बार फिर सभी सरकार का धन्यवाद करूँगा। जो आगे दिक्कत आ रही है उसके बाद थोड़ा प्रशासन ध्यान दे, आगे के लिए इस तरह की श्रद्धालुओं को दिक्कत ना हो। शहर में पेयजल संकट लगातार बढ़ता जा रहा है। जल संस्थान के ओवर हेड टैंक से पानी भरने के लिए टैंकरों की लाइन लगी हुई है, और हालात प्रतिदिन गंभीर होते जा रहे हैं। एक तरफ प्रचंड गर्मी, दूसरी ओर पानी की कमी के चलते लोगों का जीना दूभर हो गया है। आए दिन जल संस्थान में लोग पहुंच रहे हैं। दोनों प्रदर्शनों का दौर जारी है, और साथ ही बारिश न होने गर्मी के बीच गोला के जल काफी नीचे गिर गया है, और वहीं जिलाधिकारी का कहना है कि जल जीवन मिशन के तहत चल रहे कार्य जल्द पूर्ण कर लिए जाएंगे ताकि पानी की किल्लत का संपूर्ण समाधान हो सके। विभाग ने अभी लगभग 32 टैंकर ऐसे क्राइसिस एरियाज के लिए लगाए हैं, जिसमें विभागीय भी 11 टैंकर हैं और अन्य जो किराए के बेसिस पर लगाए जाते हैं वो भी। कुल मिलाकर विभाग ने 32 टैंकर हायर करे हैं जनपद के अलग अलग क्षेत्रों के लिए, जहां टैंकर के माध्यम से क्राइसिस एरियाज में सप्लाई करी जा रही है। पूरे जनपद में हमारे 102 हैबिटेशंस हैं जहां पर ज्यादा क्राइसिस सिचुएशन रहती है, उसमें ग्रामीण क्षेत्र भी हैं और हल्द्वानी और उसके पेरिफेरी के नगरीय क्षेत्र भी हैं। भीमताल शहर के तल्ली ताल से ठाट सड़क पर काफी दिनों से सीवर का गंदा पानी सड़क पर बहने से स्थानीय लोगों और स्कूल जाने वाले बच्चों की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। सड़क पर चलना और सांस लेना भी मुश्किल हो रहा है, तो वहीं सीवर का पानी झील में जाने से बीमारियों का खतरा भी स्थानीय लोगों के लिए चिंता का विषय बन रहा है। पर्यटन सीजन शुरू होने वाला है और शहर में जगह जगह सीवर बहने से पर्यटन कारोबारी भी चिंतित दिखने लगे हैं। वहीं सीवर की समस्या को लेकर सीडीओ अशोक कुमार पांडे ने जल संस्थान विभाग के अधिकारी को सप्ताह भर के अंदर सीवर संबंधी समस्याओं को हल करने के निर्देश दिए हैं। तो जल संस्थान के जो अधिकारी आए थे उनको निर्देशित किया गया कि एक सप्ताह में इस समस्या का समाधान जेटिंग मशीन के माध्यम से करें, और लॉन्ग टर्म में इस समस्या के समाधान के लिए ईओ नगर पालिका को अवगत कराया गया कि अमृत 2 योजना के अंतर्गत सीवर के काम के लिए एक्सप्लोर करें और उसी कार्ययोजना बना के डायरेक्टरेट को भेजे। अल्मोड़ा में आगजनी की घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही हैं, और बता दें कि वन क्षेत्र के आग से अभी तक जनपद में 5 लोगों की मृत्यु हो चुकी है, और वन क्षेत्र की आग गांव तक पहुंचने से गरीब मजदूर की मौत हो गई। और साथ ही दूसरी तरफ राजस्व निरीक्षक ने बताया कि उनकी टीम ने मृतक शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है।
चारधाम यात्रा के शुरुआती चरण में उमड़ रही अप्रत्याशित भीड़ के बावजूद राज्य की धाबस सरकार पूरी मुस्तैदी के साथ हर चुनौती से पार पाने के लिए अग्रिम मोर्चे पर डटी है। मुख्यमंत्री धाम चुनावी दौरे को लेकर हरियाणा में थे और इसका नतीजा ये रहा कि 24 घंटे बीतने से पहले ही अब यात्रा सुगम सुचारू रूप से चल रही है। टीम धामी के कई आलाधिकारी पहले से चारधाम यात्रा मार्गों पर डटे हुए हैं। सचिवालय में अपने अधिकारियों के साथ बैठक की और सीधा ग्राउंड जीरो पर जायजा लेने के लिए बड़कोट रवाना हो गए। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शुक्रवार को सचिवालय में चारधाम यात्रा व्यवस्थाओं की समीक्षा करते हुए चारधाम यात्रा से जुड़े जनपदों को जिलाधिकारियों से कई व्यवस्थाओं का फीडबैक लिया। मुख्यमंत्री बड़कोट जाकर ग्राउंड जीरो से यमुनोत्री धाम की व्यवस्थाओं का जायजा ले रहे हैं और चारधाम यात्रा में श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए दृष्टिगत और यात्रा को सुगम बनाने के लिए मुख्यमंत्री स्वयं मोर्चा संभाले हुए हैं। वहीं सभी मूलभूत सुविधाएं पेयजल, विद्युत, शौचालय, खानपान और बच्चों के लिए दूध और अन्य जरूरी सुविधाएं उपलब्ध रहें। फिलहाल वक्त हो चला एक छोटा सा ब्रेक का, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। Hey mom, hey, look, I can download a song really fast. I can make dosas faster. Must be joking. Bus, three easy steps. Mix with water, spread batter, fry. गाना डाउनलोड हुआ? नहीं, पर तब तक मैं इडली बनाती हूँ। हमने बनाया किट से। भारत को ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब बनाएंगे जिससे युवाओं को रोजगार के नए अवसर मिलेंगे। यह है मोदी की गारंटी। हे मॉम, हे, लुक, आई कैन डाउनलोड अ सॉन्ग रियली फास्ट। आई कैन मेक डोसास फास्टर। मस्ट बी जोकिंग। बस Three easy steps. Mix with water, spread batter, fry. Gaana download hua? Nahi, par tab tak main idli banati hu. Humne banaya kit se. Chacha, naukri lag gayi hai. दो कड़क चाय बना मोदी दो। जैसी कड़क चाय ना, जब पानी उबालता हूँ तो भाई भतीजावाद, क्षेत्रवाद, जात पात सब खत्म हो जाते हैं और जब अदरक कूटता हूँ तो समझो चमचों और बिचौलियों की कुटाई हो रही हो। मेहनत की आग में चाय पकती है, सारे खर्चियाँ और पर्चियाँ छन के अलग हो जाती हैं। ये तो हरियाणा के युवाओं को मेरिट पे नौकरी मिल रही है। मोदी जी को वोट देने का कड़क रीजन दे दिया चाचा ने। कमल का बटन दबाएं, भाजपा को जिताएं। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। डिजिटल शिक्षा को आगे बढ़ाते हुए उत्तराखंड शिक्षा विभाग लगातार सरकारी स्कूलों में स्मार्ट क्लास लगा रहा है। वहीं छात्रों को किताबों से बढ़कर डिजिटल माध्यम से प्रैक्टिकल अनुभव कराने के लिए स्मार्ट क्लास का उपयोग किया जा रहा है और इस बात को लेकर डीजी शिक्षा बंसीधर तिवारी ने कहा कि अभी तक लगभग 2000 स्कूलों में स्मार्ट क्लास लग चुकी है, जिनमें कुछ सरकारी बजट से लगे हैं तो कुछ CSR के जरिए लगे हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि अगले 2 से 3 महीनों में लगभग 1200 स्कूलों में स्मार्ट क्लास लगेंगे, जिसमें हमारा प्रयास है कि हर स्कूलों में स्टूडियो हो ताकि किसी विशेष लेक्चर को इन सभी 1200 स्कूलों से जोड़ा जा सके। देखिए, अब तक हमारे लगभग 2000 स्कूलों में स्मार्ट क्लास लग चुके हैं
उसमें कुछ हमने अपने मतलब सरकारी बजट से लगाया, कुछ CSR में मिले हैं, और लगभग करीब समझिए 1200 और स्मार्ट क्लास हमारी लगने वाली है अगले 2-3 महीनों में। और उसको हमने इस तरह से प्लान किया हुआ है कि जो 1200 स्कूलों में स्मार्ट क्लास लग रही है उसमें हर स्कूल अपने आप में एक स्टूडियो रहेगा। इस साल चारधाम यात्रा में बीते सालों की तुलना में लगभग दोगुने श्रद्धालु पहुंच रहे हैं, जिसके चलते यात्रा मार्गों पर वाहनों के जाम की स्थिति बन रही है। ऐसे में इसके मुख्य कारण के तौर पर बड़ी गाड़ियों को माना जा रहा है, जिसको लेकर IG गढ़वाल करण सिंह नगनियाल ने बताया कि यात्रा मार्गों पर वोल्वो वाहन आ रहे हैं, जिनके आकार बड़ा होने की वजह से पहाड़ी मोड़ों पर मुड़ने के में समय लगता है। साथ ही उन्होंने कहा कि आगामी समय से हम इन रूटों पर सीमित आकर वाहनों को चलाने की व्यवस्था करेंगे और इस प्रकार समस्या उत्पन्न ना हो, श्रद्धालु भी सुगम सुरक्षित यात्रा कर सके। चारधाम यात्रा पर बड़ा अपडेट, यात्रा मार्ग पर लग रहा जाम और साथ ही ट्रैफिक व्यवस्था सुचारू रूप से बनाई जा रही है, जिसको लेकर सभी अधिकारियों को दिशा निर्देश भी दिए गए हैं। उत्तराखंड में चारधाम यात्रा की शुरुआत 10 मई से हो गई थी और इसी को लेकर लगातार ट्रैफिक व्यवस्था सुचारू की जा रही है, लगातार जाम की स्थिति पैदा हो रही है, जिसको देखते हुए सभी अधिकारियों को दिशा निर्देश भी दिए जा चुके हैं। लेकिन ये जो पूर्व में इस तरह की दिक्कतें नहीं आई, ये पहली बार है, ये पहली बार है इस तरह की दिक्कतें आई। तो आने वाले समय में ये भी एक नीति बनाया जाएगा कि बड़ी वाहनों को अलाउ नहीं किया जाए, कुछ ही इस तरह के साइज की गाड़ियों को परमिट किया जाए, छोटी गाड़ियों को प्रमोट किया जाए। छोटे वाहन सेफली जा सकते हैं, कहीं भी जा सकते हैं, कहीं भी मोड़ा जा सकता है, लेकिन बड़े वाहनों को। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, ज्यादा खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ, नमस्कार।